सुमन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो बहुत होशियार थी। गाजीपुर शहर में उसका ससुराल था। आजकल वो अपने बेटे अजय के साथ मायके रहने आई थी। अजय, इतना दौड़ा दिया बेटा, अब मैं थक गई हूँ, अब तंग मत करो, चलो ये एकने वाला और खा लो। सुमन बिटिया, तू जितना बोलेगी खाना के लिए, ये उतना ही तुझे तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, तुझे तेरा सातवां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाना के लिए इसके आगे पीछे ना भागूं तो ये कुछ ना खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है, आप रो क्यों नहीं है? क्या नितिन का एक्सीडेंट हो गया है? कौन से अस्पताल में है वो? रुकिए मैं आती हूँ। सुमन के पति नितिन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वो अस्पताल पहुँचती है। सुमन बहू, डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैर में गहरी जख्म आई है। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, इनके घुटने के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ, मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं, बंटी घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारे भाई तो अपाहिज हो गए हैं, अब हमारे छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मॉम दिलाएंगे? ऊपर से उसके दो बच्चे एक साथ में हैं और एक होने वाला है, और तुम मेहनत करो और वो मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे। अरे मीना, तुम देखती जाओ, इनको घर तो आने दो, इनका सारा किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तो मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, मैंने सब कुछ सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आती हैं अगले दिन। माँ, मुझे नहीं लगता कि नितिन अब कोई काम कर पाएगा और ना कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, मैं कब तक इनके परिवार को पालता रहूंगा। सुरेश, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल दे। हाँ, मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं? नितिन, तू अब दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई के मजबूरी का फायदा उठा रहा है, आज उसकी जिंदगी ने उसे अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गलीमत समझिए कि हम आपको यहाँ से नहीं निकल रहे हैं, वरना फिर तो आप हमको जानती ही हैं। अरे तू क्या हमें निकालेगी, हम खुद अपने बच्चों के साथ यहाँ से चले जाएंगे। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपने माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू यहाँ रह मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती, तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में कोई किराया का घर दिला दो, हम वहीं रह लेंगे। मेरी बच्ची, तुझे कितना दुख झेलना पड़ रहा है भगवान, पर भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सुमन 1200 रुपए का एक कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार का आजीविका चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी। एक दिन, माँ जी, अजय माँ के साथ विद्वान दर्शन के लिए चला गया है, घर कितना सोना सोना लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गुस्ता रहता है। माँ जी, नितिन की दो कमीज दर्जी को ठीक करने के लिए दी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है, रास्ते में वो सोच में डूब जाती है। क्या करूँ, मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा, मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे सब्जी का ठेला लगा है, नितिन को लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया एक लौकी देना। अभी इनका आलू तौल लूं फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हुआ है आपका। भैया ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है, दिखाना जरा। तो कुछ भी तो नहीं लगा रखा है मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है, वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपका रखा हुआ है। भैया कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चंबुक लगाकर घपला खोरी कर रहे हो, ईमानदारी से काम करना नहीं आता है तुम्हें। पता नहीं कब से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहा है। सुमन को बोलता देख वहाँ भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर सारे ठेले वाले उसको झुककर नमस्ते करने लगते हैं। अरे हरिया, क्या हुआ, यहाँ इतना सारा शोर क्यों तेरे ठेले पे? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है, अपने तराजू में चंबुक लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। तेरी इतनी हिम्मत हरिया कि तू मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है? मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दीजिए सेठ जी,
आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूंगा। सराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे चार बच्चे हैं। अगर मेरी कमाई का जरिया छिन जाएगा तो वो भूखे मर जाएंगे। रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपने गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार के परेशानी का दर्द क्या होता है। बात करते करते सुमन की आंखें भर आती है, तभी चिंता से उसका दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास में भीड़ लग जाती है। अरे इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुमन को अचानक से चिंता और परेशानी से दर्द शुरू हो जाता है। सज्जन सेठ कुछ लोगों की मदद से सुमन को अस्पताल ले जाता है। सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेठ को बता देती है। सज्जन सेठ उसके सास को अस्पताल बुला लेते हैं। सुमन को एक बेटी पैदा होती है। वहीं सज्जन सेठ को पता चलता है कि सुमन का पति नितिन अपाहिज है और वो बहुत दुख से गुजर रही है। सज्जन सेठ आज अपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो। सुमन घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन सेठ उसके घर आते हैं। सुमन बहन, तुम हमसे काम के लिए बोल रही थी ना? मेरे पास सब्जी की बहुत सारी दुकान है, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकान है उनका हिसाब और देख रेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई भी ईमानदारी से नहीं कर सकता है। माँ जी नितिन, देखो ना, भगवान ने सज्जन सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। सुमन के आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जी का सारा हिसाब रखती, एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। सज्जन सेठ भी सुमन की मेहनत को गौर करता था। सुमन के आ जाने से सज्जन सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घपला घोरी नहीं कर रहा था। बहू तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, देखना तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। सुमन को सज्जन सिंह के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद सुमन मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे अपने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सब्जी वाली बहू बनकर अपना सारा जिम्मेदारी निभाती है।